आतंकी हमले में लगभग 40 जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश इस हमले पर निंदा कर रहा है। जैश ए मोहम्मद के द्वारा रचे इस आतंकी हमले ने पूरे देश में बदले की आग लगा दी है। शहीद जवानों के परिवार वालों ने भी मांग की है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और पाकिस्तान और आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दहला देने वाले हमले के बाद देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पुलवामा हमले पर खेद प्रकट करते हुए देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात करते हुए कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर उन्हें काफी दुख है और वे इस हमले पर पाकिस्तान और आतंकवादियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस आतंकी हमले के अपराधियों व प्रायोजकों को दंडित किया जाना चाहिए। भारत ने भी यह ऐलान कर दिया कि इस हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम लिए जाएंगे और हमारे जवानों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकी हमले पर खेद जताते हुए कहा कि अब पूरा देश इस बात से गुस्साया हुआ है। हर देशवासी बदले की मांग कर रहा है। आतंक को जड़ से मिटाने के लिए कार्यवाही और भी तेज की जाएगी। इस हमले की भारी कीमत अब आतंकियों को चुकानी पड़ेगी। आवास सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि वे पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया अपनाएंगे और उनसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी ले लिया जाएगा।